तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुबह सुबह बुला लिया था, मैं परेशान हो रही थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या इन्होंने मेरी वजह से बुलाया था यहाँ? डेलीगेट मुझे यहाँ पर तुम्हारी वजह से क्यों बुलाएंगे? फ्रेंच ऑफिसर्स ने वर्कशॉप खोलने के लिए 50 सोने के सिक्के मांगे हैं। मुझे यकीन है आप दे देंगे। 50 सोने के सिक्कों का मतलब पता है? क्या तुमने कभी देखे हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपके लिए तो आसान होगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। तुम बस बातें बनाओ, हर चीज आसान लगती है तुम्हें। हम भी क्या कह सकते हैं? हद है बहन, हद है। अजीज पायदार के साथ घूम रही है ये। अच्छा, उसकी तरफ देखो, नहीं बहुत बुरा लगेगा उसे, बहुत बुरी बात है। जल्दी काम करो, जल्दी करो, जल्दी करो। देखो कुछ भी हो जाए, ये काम हमें शाम होने से पहले खत्म करना है। पीछे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी करो। अजीज, घर जाओ वापस। आप इतने पैसे कहां से लाएंगे? क्या हो रहा है वहां? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। मुस्तफा, ये तुमने क्या किया? अजीज साहब, आपको देखकर खुशी हुई, हम बस आपकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने काम शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया, तुमने तो शक्ल ही बदल दी। आपने और आपके बाबा ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, यह शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है बस। मुझे बहुत खुशी है कि आपको रिहा कर दिया गया है। मैंने इन सबसे कहा था कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और बाहर आ जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। कैसे हुआ ये? एक सौदा किया। आप सबका शुक्रिया। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया ये? हमने कुछ गलत कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन फ्रेंच ने वर्कशॉप खोलने की इजाजत देने के लिए 50 सोने के सिक्के मांगे। बहुत बड़ी रकम है, हम ये रकम कैसे जमा करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा है अजीज साहब, ये सब कैसे होगा? उन्होंने डिमांड ही ऐसी की है जो किसी भी हाल में पूरी ना की जा सके। अजीज साहब, सालों काम करके भी ये रकम नहीं जमा कर पाएंगे। सालों का वक्त नहीं है, एक हफ्ते में देने हैं। बड़ी रकम का बस एक हफ्ते में कैसे हो सकता है? मुझे नहीं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं वर्कशॉप खोलूंगा और मैं इस जगह को इंसाफ से चलाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। ये तो अच्छी बात है अजीज साहब, हमारे लिए आसान नहीं होगा उन्हें छोड़ के आना, आप जानते हैं ये बात। आप पैसे जमा कर लेंगे और कारखाना खोल लेंगे, लेकिन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, क्या करें? हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताएं इस मुश्किल में हम आपका कैसे साथ देंगे। अब नूरी को ही देख लीजिए। क्या हुआ नूरी को? उन फ्रेंच लोगों ने उसे बेदर्दी से मार मार के उसके घर के बाहर फेंक दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो अजीज साहब, अब हम सब जाना चाहें।